हेलो दोस्तों दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और टॉपिक क्या है आज के वीडियो का, ये है कि आप जो ब्लॉग बनाएंगे, आप जो वेबसाइट बनाएंगे तो उसका जो URL होगा, मतलब लिंक होगा, वो www के साथ होना चाहिए या विदाउट www होना चाहिए। और अगर www के साथ होगा तो क्या बेनिफिट मिलेगा, और अगर www के साथ नहीं होगा तो बेनिफिट नहीं मिलेगा या कोई नुकसान होगा। ये सारे डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ऐसे में जब वीडियो इंटरेस्टिंग होने ही वाली है तो क्या कीजिए, अभी का अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लास्ट तक वॉच कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अजय इन्फॉर्मा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोवर्सी, अब बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है, आपके मन में भी कन्फ्यूजन रहता होगा कि जैसे URL एड्रेस होता है, जहाँ पे जिसे एड्रेस बार कहते हैं वेब ब्राउजर में, वहाँ पे अगर www, मतलब कि मेरे ही वेबसाइट को लेके देखिए कि मैं अपना एग्जांपल लेके देखता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। मेरा ब्लॉग है techaj.com, ठीक। अब techaj.com, सिर्फ और सिर्फ techaj.com आप इंटर करेंगे URL एड्रेस बार में तो वहाँ पे फिर भी रिडायरेक्ट होकर के ऑटोमेटिकली जो है www.techaj.com आ जाएगा। और अगर आप जो है www के साथ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे यार 3 जो लेटर है www, इतना टाइप करने की टेंशन क्या है, सिंपली techaj.com डाल दे, हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। फिर दोनों में अंतर क्या है, ये भी कन्फ्यूजन आता होगा। सही है, क्वेश्चन ऐसा होना भी जायज बनता है, लेकिन यहाँ पे दो पॉइंट हो सकते हैं। एक है नॉर्मल एक इंटरनेट यूजर है तो आपके लिए कोई डिफरेंस नहीं बनता है, लेकिन अगर आप एक वेब डेवलपर हैं, वेबसाइट के फील्ड में काम करते हैं या ब्लॉगिंग के फील्ड में काम करना चाहते हैं, आप अपना वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ब्लॉग सेटअप करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको समझिए। देखिए, जनरली अगर कहा जाए दोनों के बीच डिफरेंस, तो दोनों के बीच डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ यही है। ओवरव्यू की तरह मैं अगर बताऊँ तो, चूँकि टेक्निकल बाद में मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन एक जनरल वे में कहा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ www के अलावा रहे तो देखने में सुंदर भी लगता है, टाइप करने में आसानी भी लगता है, ये सब होता है। कुछ लोगों को www के साथ अच्छा लगता है, मतलब कि फीलिंग नहीं आती है यार www नहीं है। और एक और चीज़, जो लोग इंटरनेट से ज़्यादा रूबरू नहीं हुए हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनको लगता है कि वेबसाइट का मतलब www लगा हो तो वेबसाइट है, अगर www ना लगा हो तो वेबसाइट नहीं है। और आप जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब जो प्रोटोकॉल जो है HTTP और HTTPS आ गया है, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग ने देखा भी, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ यार, www लगाइए या नहीं लगाइए, आप HTTP प्रोटोकॉल पे या HTTPS प्रोटोकॉल पे जैसे इंटर करेंगे आपका वेबसाइट वहाँ पे खुलना शुरू हो जाएगा। ये तो हो गई जनरल की बात। अब चलते हैं कि टेक्निकल जो है पॉइंट, टेक्निकल के अनुसार, टेक्नोलॉजी में जो एडवांस लेवल है उसके अनुसार क्या डिफरेंस बनता है। हाँ, डिफरेंस बनता है। क्या डिफरेंस बनता है? सबसे पहला एक बात को सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो www है ना, इसे होस्ट नेम कहते हैं, और मान लीजिए techaj.com है, सिर्फ और सिर्फ techaj.com, इसको डोमेन नेम कहते हैं। तो जब www के साथ आता है कंप्लीट techaj.com, तो ये तो होस्ट नेम हो ही गया, लेकिन नेक्स्ट डोमेन किसे कहते हैं, समझ रहे हैं? नेक्स्ट डोमेन का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ techaj.com, मतलब विदाउट www। पहले तो समझ गए ये दोनों के टर्म के बीच। अब आते हैं टेक्निकल पॉइंट पे। यहाँ पे होता क्या है कि दोस्तों, कुकीज़ का मैटर यहाँ पे आता है। जैसे लॉगिन के लिए क्या आता है, या तो कुकीज या सेशन या डेटा को थोड़ी देर के लिए टेम्प्रेरी स्टोर करने के लिए होता है ना। अब ये होता है कि मान लीजिए आपका वेबसाइट है और कुकीज़ उस पर इनेबल किए हुए हैं, कुकीज़ के कारण बहुत सारे फंक्शन काम करता है, जैसे लॉगिन हो गया या कोई डेटा हो गया, जैसे अमेजन है विदाउट कुकीज़ काम कर नहीं सकता है ना, गूगल हो गया, फेसबुक है, ये सब कुकीज़ पे काम करते हैं। और लगभग मैं भी अपने वेबसाइट पर जो है कुछ पॉइंट लेने के लिए कुकीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो मैं करता हूँ। तो क्या होगा अगर www.techaj.com ही रहेगा, तो क्या होगा कि इसका कुकीज़ कभी भी सब डोमेन दूसरे जो होस्ट नेम चेंज होगा जैसे ही, तो वहाँ पे असर नहीं पड़ेगा। जैसे अब आपको थोड़ा समझने में परेशानी हो सकती है, तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। www.techaj.com एक वेबसाइट, अगर मैं चाहूँ कि इसी वेबसाइट को किसी और काम के लिए भी पर्पस में ले जाऊँ, बहुत सारे लोग का क्वेश्चन रहता है कि सब डोमेन, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि login.techaj.com लॉगिन के लिए, member.techaj.com हो गया, कस्टमर के लिए customer.techaj.com, sales.techaj.com, ये सब बहुत सारे बना सकते हैं सब डोमेन। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है।
तो ऐसे में यहाँ पे अंतर हो जाएगी, जिस कुकीज़ का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ www.tkj.com पे, अगर कोई बंदा, कोई भी यूजर, अगर मान लीजिए member.tkj.com में अगर कोई URL बनाता हूँ, और अभी तो बनाया नहीं हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं है, लेकिन अगर मैं बनाता हूँ, इसी तरह से आप अपना वेबसाइट जो है इस तरह से सब डोमेन क्रिएट करते हैं, तो उसका कुकीज यहाँ पे काम नहीं करेगा। लेकिन अगर नेक डोमेन होगा, नेक डोमेन का मतलब हो जाता है कि सिंपली जैसे tkj.com, इसी तरह से आपका जो भी है abcd.com फलना चिलना जो भी है, जो भी बनता है वो हो गया। अब उसका क्या है कि उसका कुकी जितने भी सब डोमेन है ना, जितने भी सब डोमेन आएंगे सब पे वर्क करेगा। तो हो गया ना, यूजर को प्रॉब्लम हो सकती है ना, साइट क्रैशिंग का चांस बन सकता है ना, उसको हैंडल करने के लिए आपको एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी ना, तभी जाकर के उसको वहां पे ट्रांसफर कर, मतलब ऑटोमेटिकली ट्रांसफर यहां पे हो ही जा रहा है कुकीज को, तो वेबसाइट पे लोड भी बढ़ेगा, बहुत सारे कुकीज ब्राउजर में स्टोर भी होंगे, तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। अब आपका एक और सवाल आता होगा, सवाल ये क्या SEO, मतलब कि देखिए जितने भी लोग ब्लॉगिंग के फील्ड में ना SEO को जरूर पकड़ते हैं और चाहते हैं कि उनका वेबसाइट रैंकिंग अच्छा अच्छा होते चला जाए, तो ऐसे में क्या WW और विदाउट WW के कारण SEO पे इफेक्ट पड़ता है? आपके मन में भी क्वेश्चन आता होगा ना, मेरे मन में भी आया था, मैंने इंप्लीमेंट करके दूसरे जो ब्लॉग था वहाँ पे सेटअप करके देखा, यार नहीं पड़ता है। मतलब कि ऑफिशियली ये भी बताया जाता है कि लोग भी कहते हैं कि नहीं पड़ता है असर, प्रैक्टिकली करके भी मैंने देखा हूँ कोई असर नहीं पड़ता है। गूगल को सर्च इंजन, चाहे याहू हो, बिंग हो, कोई भी सर्च इंजन हो, उसको क्रॉनिकल URL जो होता है ना, वो जो सिर्फ बता देना पड़ता है कि भाई ये URL और ये URL दोनों एक है, ऐसे में आपको कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आपको जो है वेबमास्टर टूल्स जहाँ पर रहता है वहाँ पे जो है www के अलावा देंगे तो www के अलावा रहेगा, www के साथ देंगे तो www जो है उसके साथ रहेगा, आपको कोई असर नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से करना है। ये तो हो गई बात। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि कौन सा रखा जाए, कौन सा बेहतर होगा? तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, जब भी लोग वेबसाइट के फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में आते हैं ना, कोई भी काम करना शुरू करते हैं, तो उनको ये अंदाज़ा नहीं रहता कि वो कितने दूर तक जा सकते हैं, उनका मतलब उस फील्ड में अगर सक्सेस के राह पे चल दिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अगर नेट डोमेन होगा तो फ्यूचर में जो है दूसरे कंटेंट को सर्व करने के लिए, सपोज यार कि CDN बनाना है स्टैटिक के लिए, स्टैटिक कंटेंट के लिए अलग डोमेन लेना है, तो वहाँ पे भैया ये होगा कि बाद में नहीं ले सकते हैं, बाद में दिक्कत होगा। ऐसे में आपको कुछ नहीं जाता है, आप सिंपली जो है www के साथ जाइए, आपको बेनिफिट हमेशा से रहेगा। ये तो हो गई बात। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ, आपके सवाल जो आते रहता है कि भाई यार ये www है, अगर www नहीं है तो क्या? मान लीजिए कि आपने ब्लॉग सेटअप कर लिया और विदाउट www है, मैं कह रहा हूँ www के साथ जाइए। अब आपके मन में ये भी आता होगा कि यार फिर www तो है नहीं, www के साथ मैं जाऊँ कैसे, है ना? उसका सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन है आपका जो डोमेन है विदाउट www उसको रिडायरेक्ट कर करके www पे ला सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, कोई भी लोग टाइप करेगा यहाँ पे www के बिना तो भी www के साथ आ जाता है, मेरे केस में tkj.com के केस में देख लीजिए। लेकिन यार एडवांस चीज़ की मैं बात बता देता हूँ, ये अगर आप चाहे या मैं चाहूँ, मतलब जो वेबसाइट ऑनर है, जिसका वेबसाइट है, वो अगर चाहे तो www जो है, जैसे मैंने tkj.com है, www.tkj.com, इस पे जो मटेरियल दिख रहा है, आप जब खोलते हैं जो भी चीज़ दिखता है, जो भी कॉन्टेंट दिखता है, मैं ये चाहूँ कि www के साथ जब ओपन करें तो मटेरियल ये दिखे, और विदाउट www के साथ करे तो मटेरियल वो दिखे। मतलब कि यहाँ पे होस्ट नेम है www और विदाउट होस्ट नेम के, मतलब नेक्स्ट डोमेन पे अगर कोई ओपन करे तो उसका कंटेंट कुछ और दिखे, ऐसा होता है। और इसीलिए जो है गूगल या जितने भी सर्च इंजन है उस चीज़ को पहले ही कहता है, जितने भी वेब डेवलपर है उसको कहता है कि आप इस चीज़ को फिक्स कर लीजिए, भैया गूगल को बता दीजिए कि www के साथ और विदाउट www दोनों एक ही है, ताकि गूगल को समझने में आसानी हो, गूगल को कभी प्रॉब्लम ना हो, जितने भी सर्च हैं उसको कभी प्रॉब्लम ना हो, इवन कि यूजर को प्रॉब्लम नहीं हो, है ना? तो दो कंटेंट दिख सकता है, तो ये कैसे होगा? अब इसका भी आप, मैं आंसर बता देता हूँ, आपके मन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन चल रहा होगा तो ये होगा सोल्यूशन दोस्तों, आपका जो डोमेन का डैशबोर्ड है, डोमेन का जो पैनल है, वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर DNS मैनेजमेंट होगा, और DNS मैनेजमेंट पर जा करके ए रिकॉर्ड जो है ना उसको अपडेट करना होगा। ए रिकॉर्ड में क्या करना पड़ेगा, आपका जो विदाउट www मतलब वहाँ पे जो होस्ट नेम है उसको लीव कर देना है, तो नेक्स्ट डोमेन हो गया, और उसको पॉइंट आउट कर देना है आपके सर्वर के IP एड्रेस पे, और वही IP एड्रेस जो है फिर www होस्ट नेम के साथ जो पॉइंट आउट कर दीजिएगा, जिससे ये होगा कि कोई भी बंदा अगर विदाउट www भी खोलेगा तो भी वही मटेरियल दिखेगा, और www के साथ खोलेगा तो भी वही मटेरियल दिखेगा। तो ये तो हो गई यूजर की बात, लेकिन 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 रिडायरेक्ट करना बेहद ज़रूरी है।
तो रिडायरेक्ट कैसे कीजिएगा। रिडायरेक्ट करने के लिए अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप रिडायरेक्ट आसानी से कर सकते हैं। आगे आप लोग देखते रहिएगा, सवाल पूछते रहिएगा, मैं इसका जवाब देता रहूँगा। तो अब आपको क्या करना, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए कि आपको कौन पसंद आएगा, विदाउट www देखना पसंद करते हैं डोमेन नेम या www के साथ देखना पसंद करते हैं, और लाइक और शेयर करना तो बनता ही है।